ये डॉक्टर साहब गाड़ी का इंतजाम करो, इसे इसी वक्त नरसापुर अस्पताल ले जाना पड़ेगा। जाओ हिबा। बंडी आ गए डॉक्टर बाबू, इसे जल्दी से गाड़ी में लिटा दो। नहीं बेटे, हम लोग बाद में जाएंगे। राम भैया, शामू काका ने बुलाया है। ये
लगता है श्यामू काका को समझाना पड़ेगा। काका मैं एक लतीफा सुनाऊं? अरे हाँ सुना बेटा सुना। एक गांव है, गांव में एक नदी है, नदी पे कश्ती है, कश्ती में माँ बेटा और बहू है। माँ कहती है बेटा अगर कश्ती डूब जाए तो सबसे पहले तू किसे बचाएगा? तो बहू कहती है देखो जी तुम सबसे पहले अपनी माँ को बचा लेना, मुझे बचाने तो सारा गांव आएगा। मैं तुझे बताना भूल ही गया कि आज तुझे ठाकुर के यहाँ जाना है। अच्छा तो तुमने ठाकुर का फरमान बजा लाने के लिए एक मासूम की जान को खतरे में डाल दिया। क्या तुम भूल गए हो काका, कुछ ही दिन हुए भीमा के बच्चे खेलते खेलते जंगल की ओर गए और वो लापता हो गए। अब तक कुछ पता नहीं चला कि उन्हें जमी खा गई या आसमान, और न जाने इस तरह अब तक कितनी माओ की गोद इस गांव में उजड़ती आई है। परेशान है सारा गांव और तुम हो के एक यतीम के जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। कसम है पैदा करने वाले कि अगर आज राजू को कुछ हो जाता ना काका, मैं लकड़ी नहीं तुम्हें काट देता। अरे मैं क्या करता, ठाकुर का मामला था और मेरे पास दूसरे आदि भी नहीं थे। अच्छा अच्छा अब गुस्सा छोड़, अरे आइंदा मैं ख्याल रखूंगा। अरे हाँ रामू, वो ठाकुर ने हमेशा की तरह परसों लकड़ी काटने का मुकाबला रखा है। मैं चाहता हूं कि तू इस गांव की तरफ से हिस्सा ले। क्या बात है रामू, ऐसा क्या देख रहे हो? क्यों जंगल जाना नहीं है क्या? नहीं डॉक्टर बाबू, आज मुझे ठाकुर के यहाँ जाना है। अच्छा अच्छा क्यों भाई क्या बात है?